जी हाँ, इस वीडियो को करें अभी से लाइक, और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर बाद में ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हम वीडियो डालते हैं नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ कमेंट करके बताइए आप राजस्थान से किस जिलों से बिलोंग करें ताकि आपके जिले। जी हाँ किसान भाइयों, यानी आज हम बात बताएंगे आपको मोट में तेजी और मंदी के आसार लगाए जा रहे हैं। किसान भाइयों, ऐसे हम नहीं कह रहे हैं कि मोट में यह तेजी रहेगी या मंदी रहेगी। जैसा कि हमें सोशल मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट मिली है, हम आप तक वो पहुंचाने की पूरी कोशिश करें ताकि हमारे किसान भाइयों को रिपोर्ट मिले ताकि वे भी तेजी मंदी के आसार भी जान सकें। तो किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, अब मोट का उत्पादक इस बार बम्प पर तेजी होने की संभावना दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिजाई अधिक होने के साथ साथ फसल भी बहुत बढ़िया है तथा वर्तमान की बरसात से मोट की फसल को मामूली कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। बाकी चौतरफा बहुत ही जबरदस्त यानी फसल प्रत्याशी बता रहे हैं। मोट की फसल राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर, बालोतरा, दौसा व नागौर के डीडवाना, नागौर आदि उत्पादक क्षेत्रों में होता है। मोट एक ऐसी दलहन है जिसे उत्पादन केवल राजस्थान राज्य में होता है और किसी भी राज्य में नहीं होती है। इसकी बिजाई केवल राजस्थान में होती है और किसी भी राज्य में नहीं होती, और बिजाई के साथ मूंग के साथ भी होती है। बीते सीजन में फसल बहुत कम आने से उत्पादन में 35 से 40% कमी नजर आई है। यही कारण है कि 4100 से लगाकर 4200 रुपये प्रति क्विंटल मोट दिल्ली में और 7000 रुपये प्रति क्विंटल ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के नहोर भादरा लाइन में 7 से 7300 रुपये तक व्यापार हो गया। गौरतलब यही है कि इस बार मूंग की फसल में भी बम्पर तेजी आएगी तथा मोट की बिजाई भी किसानों ने कम से कम 50% अधिक बिजाई किया था, और बिजाई के साथ साथ मौसम अनुकूल रहा। रुक रुक कर बरसात होने के साथ फसल जोरदार आई और फसल पकने के टाइम में कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात हुई तो जिसमें 2 से 4% का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर औसत बिजाई 1.5 गुनी होने के एवं फसल मौसम व अनुकूल होने में फैली और दाने में को लेकर क्वांटिटी भी अधिक आई है। और उन परिस्थितियों को देखते हुए मोट का उत्पादन इस बार 5 लाख मेट्रिक टन के करीब होने का अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो पिछले वर्ष मुश्किल से 2 से 2.5 लाख मेट्रिक टन के करीब आई थी। इस बार यानी उच्च भाव होने के भुजिया नमकीन बनाने वालों की मांग केवल ज़रूरत के अनुसार ही रही, और नई फसल बढ़िया होने के सभी आपको बता दें खपत करने वाले उद्योग और अभी इंतजार कर रहे हैं, जिससे व्यापार में शुरुआती दौर मंदी के रफ्तार कमी रह गई, लेकिन दुर्गामी परिणाम मोट के लिए जबरदस्त मंद लग रहा है। बीकानेर बालोतरा लाइन के किसानों का कहना है कि मोट की फसल धरती दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा नागौर व डीडवाना लाइन में भी मोट की फसल दुगुनू बता रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों को देखकर अब मोट इस बार यानी 6300 से लगाकर 6400 बिक रही है। उसके भाव पर इसी महीने के अंत में 1000 रुपये प्रति क्विंटल नीचे आए गए जाएंगे, और वर्तमान पर आपको पुराना माल बेचकर पूरी तरह से निपटा देना चाहिए। यही हमारा मोट यानी मोट के बारे में तेजी और मंदी के आसार भी बताए गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी किसान से जुड़ी हुई तमाम खबरें आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।